स्टोरी विद बिनाका, सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए हाजिर है कहानी डेढ़ टिकट। महानगर के उस अंतिम बस स्टॉप पर जैसे ही कंडक्टर ने दरवाजा खोला, नीचे खड़े एक देहाती बुजुर्ग ने चढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया। एक ही हाथ से सहारा लेकर डगमगाते कदमों से वे बस में चढ़े, क्योंकि दूसरे हाथ में थी उनके भगवान गणेश की एक अत्यंत सुंदर और मनोहर बाल मूर्ति। गांव जाने वाली उस आखिरी बस में 5-6 सवारों के चढ़ने के बाद पैर रखने की भी जगह नहीं थी। बस चलने पर हाथ की मूर्ति को संभाल उन्हें संतुलन बनाने की असफल कोशिश करते देख कंडक्टर ने अपनी सीट खाली करते हुए कहा, दद्दा आप यहां बैठ जाइए। तो वे उस मूर्ति को पेट से सटाकर आराम से उस सीट पर बैठ गए। कुछ ही मिनटों में बाल गणेश की ये प्यारी सी मूर्ति सबके कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बन गई। अनायास कुछ जोड़ी हाथ श्रद्धा से उस ओर जुड़ गए। कंडक्टर पीछे की सवारियों से पैसे लेता दद्दा के सामने आ खड़ा हुआ और पूछा, कहाँ जाओगे दद्दा? जवाब देते हुए दद्दा ने मूर्ति को थोड़ा सा इधर उधर किया और धोती की अंटी से पैसे निकालने की असफल कोशिश करने लगे। उन्हें परेशान होता देखकर कंडक्टर ने कहा, अभी रहने दीजिए दद्दा, उतरते वक्त दे देना। एक बार फिर दद्दा गणपति की मूर्ति को पेट से सटाकर आश्वस्त होकर बैठ गए। अब बस रफ्तार पकड़ चुकी थी। सबका टिकट काटकर कंडक्टर एक सीट का सहारा लेकर खड़ा हो गया और अनायास ही उनसे पूछ बैठा, दद्दा आपके गांव में भी तो गणेश की मूर्ति मिलती होगी ना? फिर इस उम्र में 2 घंटे का सफर और इतनी दौड़ धूप करके शहर से ये गणेश की मूर्ति क्यों ले जा रहे हो? प्रश्न सुनकर दद्दा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा, आजकल तो त्योहार आते ही सब तरफ दुकानें सज जाती है, गांव में भी मूर्तियां मिलती है, पर ऐसी नहीं। देखो कितनी प्यारी और जीवंत प्रतिमा है। फिर वो संजीदगी से कहने लगे, यहां से मूर्ति ले जाने की एक कहानी भी है बेटा। दरअसल हम पति पत्नी को भगवान ने संतान सुख से वंचित रखा, सारे उपचार तंत्र मंत्र सब किए, फिर नसीब मानकर स्वीकार भी कर लिया और काम धंधे में मन लगा लिया। 15 साल पहले काम के सिलसिले में हम दोनों इसी शहर में आए थे। गणेश पूजा का त्योहार नजदीक था तो मूर्ति और पूजा का सामान खरीदने यहाँ बाजार आ गए। अचानक पत्नी की नजर एकदम ऐसी एक मूर्ति पर पड़ी और उसका मातृत्व जाग उठा। मेरा बच्चा कहते हुए उसने उस मूर्ति को सीने से लगा लिया। सालों का दर्द उसकी आंखों से बह निकला। मूर्तिकार भी ये देखकर भाव विहल हो गया और मैंने उसे हर साल इसी सांचे की हूबहू ऐसी ही मूर्ति देने का वादा ले लिया। बस तभी से ये सिलसिला शुरू हो गया। 2 साल पहले तक तो वो भी साथ आती थी अपने बाल गणेश को लेने, पर अब वो बेचारी घुटनों के दर्द से लाचार है। मेरी भी उम्र हो रही है, फिर भी 10 दिन के लिए ही क्यों ना उसका ये सुख मैं छीनना नहीं चाहता, इसीलिए अपने बाल गणेश को बड़े जतन से घर ले जाता हूं। अब तक आसपास के सभी लोगों में अच्छा सा कौतूहल जाग चुका था। कुछ लोग अपनी सीट से झांक कर तो कुछ उचक कर मूर्ति को देखकर मुस्कुराकर हाथ जोड़ने लगे। तभी पिछली सीट पर बैठी एक महिला ने चेहरा आगे करके पूछा, दद्दा फिर विसर्जन नहीं करते क्या मूर्ति? एक दर्द भरी मुस्कान के साथ दद्दा ने कहा, अब भगवान स्वरूप स्थापित कर विधि विधान से पूजा करते हैं तो विसर्जन तो करते ही हैं बेटा, पर इस वियोग के कारण ही इन 10 दिनों में उसके हृदय से मानो
वात्सल्य का सोता फूट पड़ता है, जिससे हमारा जीवन बदल जाता है। अभी भी वो रंगोली डालकर, आम के तोरण से द्वार सजाकर वहीं पर बैठी राह देख रही होगी। पहुंचने पर राई और मिर्च से कड़क नजर उतारती है। पूछो मत बेटा, छोटा सा लोटा, ग्लास, थाली, चम्मच सब है हमारे बाल गणेश के पास। यही नहीं, रंग बिरंगे छोटे छोटे कपड़े का एक बैग भी बना रखा है उसने। इसलिए जब तक मुझसे संभव होगा, उसे ये सुख देता रहूंगा। कहते कहते दद्दा का गला रुंध गया। ये सुनकर किसी की आंखें नम हुई तो किसी का हृदय करुणा से भर गया। बस निर्बाध गति से आगे बढ़ रही थी और दद्दा का गांव आने ही वाला था, इसलिए उन्हें मूर्ति संभालकर खड़े होते देख पास खड़े हुए व्यक्ति ने कहा, लाइए मूर्ति मुझे दे दीजिए। तो उसके हाथ में मूर्ति को धीरे से थमाकर धोती की अंटी से पैसे निकालकर कंडक्टर को देते हुए दद्दा ने कहा, लो बेटा 1.5 टिकट काट लो। ये सुनकर कंडक्टर ने आश्चर्य से कहा, अरे आप तो अकेले आए हैं ना, फिर ये 1.5 टिकट? दद्दा ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों नहीं आए क्या बेटा? एक मैं और एक ये मेरा बाल गणेश। ये सुनते ही सब उनकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। लोगों के असमंजस को दूर करते हुए उन्होंने फिर कहा, अरे उलझन में क्यों पड़े हो सब? जिसे देखकर सभी का भाव जागा, क्या वो केवल एक मूर्ति है? जिसे भगवान मानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वो क्या केवल मिट्टी है? हमसे ज्यादा जीवंत है ये तो। हम भले ही उसे भगवान मानकर उससे हर चीज मांग लेते हैं, पर उसे तो हमारा प्यार और आलिंगन ही चाहिए। ये कहते हुए दद्दा का कंठ भावातिरेक से अवरुद्ध हो गया। उनकी बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुनते कंडक्टर सहित सभी सहयात्री करुणा और वात्सल्य के इस अनोखे सागर में गोते लगा रहे थे कि दद्दा का गांव आ गया और एक झटके से बस रुक गई। कंडक्टर ने 1.5 टिकट के पैसे काटकर बचे हुए पैसे और टिकट उन्हें थमाकर अंदर से दरवाजा खोला। नीचे उतरकर दद्दा ने जब अपने बाल गणेश को थामने उस यात्री की ओर हाथ बढ़ाया तो कंडक्टर सहित सबके मुंह से अनायास निकला, देखिए दद्दा संभल के। और दद्दा किसी नन्हे शिशु की तरह उस मूर्ति को दोनों बाहों में थामकर तेज कदमों से पगडंडी पर उतर गए। शब्द नहीं, मन का भाव सर्वश्रेष्ठ है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन वैसी। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।